हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम NABH 6th एडिशन पे बात करने वाले हैं, एक ड्राफ्टेड वर्जन पर, कि क्या चेंजेस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं NABH 6th एडिशन में। और इसका हम कंपैरिजन करेंगे 5th एडिशन में क्या स्टैंडर्ड्स थे और अब 6th एडिशन में कौन से आ सकते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें कंपैरिजन करेंगे NABH 5th एडिशन और 6th एडिशन में, और ये आपका जो ड्राफ्टेड वर्जन है NABH 6th एडिशन का उसके बेसिस पे होगा। तो जो फाइनल वर्जन है हो सकता है उसमें स्लाइट चेंजेस और हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी मेंबरशिप्स आएंगी, मेंबरशिप को आप ज्वाइन करके क्लिक करके ले सकते हैं अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते और डायरेक्टली थैंक्स करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी मुझे कर सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मेंबरशिप अवेलेबल है इस चैनल पे और उसके कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, वो आप चेक करके ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 5th एडिशन पे अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं, जिनके 50 से अबव बेड्स हैं वो, और जिनके 50 से कम हैं उनके लिए स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है और उसकी भी न्यू एडिशन आ चुकी है जो कि मार्च से इफेक्टिव हो चुकी है। ठीक है, तो NABH 6th एडिशन और 5th एडिशन के कंपैरिजन में मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी, वो आप नोट डाउन करते जाना। नोट डाउन करके जो फाइनल वर्जन इसका रिलीज होगा तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि कितने चेंजेस जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, तो 5th एडिशन में जैसे कि अभी बहुत सारे लोग रूबरू हो चुके हैं 5th एडिशन से, सबको मुँह जुबानी होगा कि 5th एडिशन में क्या चीज़ें हैं। तो 5th एडिशन के कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो कि 100 थे और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो थे वो थे 651। ठीक है, 5th एडिशन में। 6th एडिशन में क्या है कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 100 ही होंगे, बट जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो 639 इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हमने जस्ट एक्सपेक्ट किए हैं कि हो सकते हैं, 651, 639, तो बहुत मेजर डिफरेंस है इनका। स्टैंडर्ड्स आपके कम हो जाएंगे तो एप्लीकेशन भी आपकी कम होगी। ठीक है, तो 51 और 39 आप देख सकते हैं कितना बहुत ज़्यादा नंबर का वेरिएशन है। तो एक तो इनके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है और दूसरा इसमें चेंज है कि जो आपका असेसमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ केयर चैप्टर है उसका जो स्टैंडर्ड है 7 और 8, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट आप नंबर सुन लीजिए। 7 और 8 को कम्बाइन कर दी गया 6th एडिशन में AAC 7 में। हालांकि NABH 6th एडिशन के ड्राफ्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, पहले उसको देख लीजिएगा उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो उसको जो है AAC 7 करके एक ही स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया गया है, वो है आपका AAC 7 6th एडिशन का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में काफ़ी डिफरेंस है। 6th एडिशन में 13 स्टैंडर्ड्स हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 1 में 13 जो हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं 6th एडिशन में, और 5th एडिशन में आपके 14 स्टैंडर्ड है, तो एक स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे कम हो चुका है। सिमिलरली क्या है, जो 7th चैप्टर है आपका उसमें 6th एडिशन में 6 जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं और वही जो आपके 5 स्टैंडर्ड्स 5th एडिशन में हो गए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपके 100 स्टैंडर्ड्स बनते हैं। अभी हम AAC चैप्टर की बात कर रहे थे कि जो 6th एडिशन है उसमें जो है वो कंबाइंड हो चुका है AAC 7 और 8 जो कि 5th एडिशन में है, और 6th एडिशन में हो गया है AAC 7। ठीक है, अब AAC 7 क्या कहता है कि आपका जो लेबोरेटरी एश्योरेंस प्रोग्राम है, ठीक है, वो एक वेल इस्टैब्लिश तरीके से होना चाहिए। मीन्स एक वेल इस्टैब्लिश आपका लेबॉरेटरी एश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए AAC 7 में, 5th एडिशन में कहा गया है। और AAC 8 में बोला गया है कि लेबॉरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो लेबॉरेटरी एश्योरेंस प्रोग्राम एंड लेबॉरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है AAC 7 इन 6th एडिशन। तो इसका न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, लेबॉरेटरी पार्टिसिपेट्स इन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम
ठीक है, तो ये आपका न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो कि AAC 7th स्टैंडर्ड के सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। अब इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग क्या हो सकती है कि और NABH इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपको फाइनल वर्जन जब रिलीज होगा उसी में ही पता चलेगा। ये सिर्फ ड्राफ्टेड वर्जन है और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बताया है कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपका क्या कहता है। और आई डोंट नो आप लोगों को पता हुआ कि नहीं, NABH का जो 6th एडिशन है वो जनवरी 2024 में रिलीज हुआ था और मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो आप ज़रूर देख लेना। AAC 10 एंड AAC 11 5th एडिशन का, इसको कंबाइन कर दिया है AAC 9 में 6th एडिशन के, तो AAC 10 और 11 जो है AAC 9 बन चुका है एडिशन 6th में। और ये बेसिकली आपकी कंसर्न है इमेजिंग सर्विसेज के लिए। तो क्या चीज़ है इसमें कि आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है इमेजिंग सर्विसेज का और सेफ्टी प्रोग्राम जो है इमेजिंग सर्विसेज का वो आपका वेल एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसा कि लेबोरेटरी के लिए है वैसा ही आपका 10 और 11 को कंबाइन कर दिया है इमेजिंग सर्विसेज के लिए। तो AAC 9 की लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस और सेफ्टी प्रोग्राम इमेजिंग सर्विसेज का इस्टैब्लिश होना चाहिए। देर इज एन इस्टैब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर इमेजिंग सर्विसेज, ये इसकी लैंग्वेज है। इसके बाद का जो चेंज है वो ये है कि 5 न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं नए स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। तो न्यू जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सेलियंट पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्कोप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर की, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर एज पर स्कोप ऑफ सर्विसेज। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीनिंग्स हो गई, इम्यूनाइजेशंस हो गई, हेल्थ एजुकेशंस हो गई, ठीक है, रिस्क असेसमेंट्स हो गई, ये आ सकती हैं आपके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। और प्रमोटिव हेल्थ केयर में आ सकते हैं जैसे कि वेलनेस प्रोग्राम है, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स हैं, हेल्थ केयर प्रमोशंस हैं, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपके प्रमोटिव हेल्थ केयर में। तो स्कोप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है इसका। इसके अलावा एक पॉइंट है कि आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए इन इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बताया है कि क्या हो सकते हैं कि आपकी इम्यूनाइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है, और आपके जो है हेल्थ एजुकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली एक पॉइंट ऐसा भी है कि एविडेंस बेस्ड एंड कॉन्टेक्चुअल पीडियाट्रिक एंड एडल्ट इम्यूनाइजेशन एज पर स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है, प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की इम्प्लीमेंटेशन। 6th एडिशन में एक चेंज है AAC 12, the organization has discharge process, complete discharge process, तो इसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है 5th एडिशन पे कि डिस्चार्ज प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिस्चार्ज समरी में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एज़ पर NABH, तो वो वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूँगी, ठीक है, या फिर इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा या फिर लास्ट में एंड में जो पार्ट्स लगते हैं उसमें भी आ सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, ये सारी लिंक करती हैं। 5th एडिशन में यही स्टैंडर्ड जो है वो AAC 13 में था जो कि अब AAC 12 में हो गया 6th एडिशन में कि कंप्लीट एस्टैब्लिश डिस्चार्ज प्रोसेस होनी चाहिए। AAC 12F जो है एक न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 6th एडिशन में, जिसका जो मैं आपको लाइन बता देती हूँ वो क्या कहता है AAC 12F, ठीक है, AAC 12F, उसमें क्या है, द केयर शैल बी प्रोवाइडेड बाय एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस थ्रू डोमिसिलरी विजिट्स वेयर एवर एप्लीकेबल। बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, उनको घर में ही ये चीज़ें जो है विजिट्स के थ्रू जो है आपके सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए हॉस्पिटल्स की, मतलब कि किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं हॉस्पिटल में विजिट कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि उनका घर पे ही इलाज हो, तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं कि डोमिसिलरी विजिट्स जो हैं वो दे सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है AAC 12 का। तो आज का जो टॉपिक है, जो पार्ट है, हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो चुकी है। आगे की क्वान्टिटी मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी, उसमें मैं बाकी जितना भी कवर किया है NABH 6th एडिशन में सारा मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगी।
तो ये आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल ऑडियंस के पास पहुँचाएँ ताकि NABH की नॉलेज सभी को हो सके, हेल्थ केयर की नॉलेज सभी को हो सके। जो भी उसमें स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक हेल्थ केयर को कौन से स्टैंडर्ड्स अच्छे बनाते हैं, तो उसके लिए जो है सूटेबल ऑडियंस के पास ये वीडियो पहुँचाएँ, ये चैनल को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स भी इवन उनको नहीं पता है कि NABH क्या होता है। ठीक है, उनको ये है कि हमारा इलाज जहाँ अच्छा हो रहा है हम वहीं जाएंगे। ठीक है, तो इलाज अच्छा होने के लिए भी अगर आप स्टैंडर्ड्स लगाएंगे तो ही जो है वो आउटकम आपको अच्छा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास ये वीडियो को पहुँचाएँ, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करें, उसमें कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, और इसको देखने के बाद ही आप उसे ज्वाइन कीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं मुझे ईमेल करते हैं या फिर मुझे कमेंट करते हैं, उसमें क्या है कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी होती हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पे क्लिक कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चंस कुछ अलग हैं उस टॉपिक को लेके, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत बिजी चल रहा है मेरा शेड्यूल थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कमेंट नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितने टाइम बाद जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट कर लीजिए। थोड़ा बिजी होने की वजह से मेरी वीडियो भी डिले हो रही है, बट अब मैं कॉन्टिन्यूटी में रखूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।